जिसको नहीं पता, 7 मंथ्स पहले एक सॉन्ग आए थे जिस सॉन्ग का नाम था जुबेदा। सॉन्ग था ननकू का और उसी सॉन्ग को रिमिक्स करके बनाया योयो हनी सिंह ने। आज मैं बहुत दिनों बाद सॉन्ग सुन रहा हूँ, सॉन्ग्स पे रिएक्शन देने वाला हूँ। और आप लोग को पता है मैं सबके सॉन्ग छोड़ सकता हूँ, एक योयो हनी सिंह का, दूसरा एमसी स्टैन का और तीसरा एमिवे बंटाया का। इन तीनों बंदों का सॉन्ग मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता रिएक्शन देना। और एमिवे बंटाया का भी सॉन्ग आया, मैंने अभी सुना नहीं। इस सॉन्ग के बाद मैं वो भी सॉन्ग सुनूंगा और उस पर भी रिएक्शन दूंगा, क्योंकि कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिग बॉस हाउस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉन्ग्स मेरे जो है वो कवर नहीं हो पा रहे और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से मैं सॉन्ग्स नहीं कवर नहीं कर पाया। तो आज एक सॉन्ग आया जिस सॉन्ग का नाम है जुबेदा, और ये सॉन्ग आया था 7 महीने पहले ननकू की तरफ से, तो उसका रिमिक्स वर्जन बनाया। और ये सॉन्ग सुनता हूँ और ये सॉन्ग सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सिर्फ बस वो लोग ही समझ सकते हैं जो योयो हनी सिंह के कट्टर फैंस हैं। ये नहीं कि आज कला स्टार सॉन्ग सुन लिया और कूले कूले सॉन्ग सुन लिया और योयो हनी सिंह के फैंस बन गए, नहीं। ये सिर्फ वो समझ सकते हैं जो योयो हनी सिंह को कब से फॉलो कर रहे हैं, कब से, जो योयो हनी सिंह को 2010 से 2012-13 से फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स। तो और ये चेक करते हैं सॉन्ग के अंदर क्या चेंजेस हुई और क्या नहीं हुई। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। और ये जो वीडियो जो हनी सिंह की शूट कर रहा हूँ, ये आज ही रात तक आ जाएगी, तो आप देख लेना। और इसके बाद जो है बहुत सारी वीडियो जो मैं शूट करने लगा हूँ तो वो भी आ जाएगी कल परसों तक, तो वो भी आप जाके चेक कर लेना। सबसे पहले मैं ये सॉन्ग सुनता हूँ योयो हनी सिंह का, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से गो। बेचारा तुम बेचारा, तुझसे कर तो अपने पारा, कोई चांस ना सोच न चारा, मुझसे तेरे लिए खत लिखवा रहा। बेचारा तुम बेचारा, कुछ सुनो से मेरे हाथ नहीं आ रहा, कोई चांस ना सोच न चारा, ऐ भी अपना घमंड के सवारा। ऐसा भी होता है क्यों खुद भी रोता है, सोचूं तेरे बारे में तो सीने में कुछ होता है, ना कोई समझौता है ना मेरे दिल इकलौता है, उतार कर बात करो पहला तुमने जो मुखौटा है। सुबैदा सुबैदा, वो चुनो किया तुमने कैसा, सुबैदा सुबैदा, मारे क्यों से लुक तू ऐसा, न शोहरत न पैसा, कुछ भी नहीं तेरे हुस्न जैसा। सुबैदा सुबैदा, वो चुनो किया तुमने कैसा। क्या मैं घर आ सकता हूँ, आराम से बिठा के तुझे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। नाइस नाइस नाइस, मैं समझ गया ये। ये दिल टूटा आशिक समझ सकता है। ऐसा भी होता है क्या मर्द भी रोता है, सोचूं तेरे बारे में तो छाती में कुछ होता है, ना कोई समझौता है बस सच कहने का मौका है, उतार कर बात करो पहना तुमने जो मुखौटा है। क्या सॉन्ग है ब्रो, मैंने नहीं सोचा था कि ब्रो ये सॉन्ग इतनी हाइप पे लेके जाएगा मुझे। मैं आप लोग को सच बात बताऊं, मैंने ननकू का वो सॉन्ग जुबेदा नहीं सुना,
तो मुझे नहीं पता उस सॉन्ग का म्यूज़िक कैसा है और उस सॉन्ग के अंदर लिरिक्स कैसे लिखे गए हैं और क्या चेंजेस की गई हैं इस सॉन्ग के अंदर, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने सिर्फ ये सॉन्ग सुना है जो हनी सिंह की तरफ से जाए रिमिक्स, और इस क्या बीट्स जो चलाई थी, वाओ क्या विजुअल चल रहे थे आंखों के सामने, जैसी वो चेंज होता है ना म्यूज़िक और वैसी यो हनी सिंह और उसकी पिक्चर्स चेंज होती हैं और वो ब्लैक थीम आ जाती है, ऐसा लगता है मैं कोई डार्क वेब सीरीज देख रहा हूँ। वाओ क्या म्यूजिक बजाया। जो हनी सिंह के फैंस है ना, वो कुछ सोच समझ के जो हनी सिंह के फैंस बने ब्रो, वो ऐसे नहीं बने कि सिर्फ किसी का एक का गाना सुना, चलो अच्छा गाना लगा, चलो अब इसके गाने सुनेंगे। नहीं, जो हनी सिंह की कट्टर आर्मी वो है जो शुरू से सुनती हुई आ रही है जो हनी सिंह को, वो है जो हनी सिंह की कट्टर आर्मी। ये ढीट सॉन्ग हो गया, द स्टार सॉन्ग हो गया, कूले कूले सॉन्ग हो गया, ये तीन चार सॉन्ग सुन के जो हनी सिंह को बता रहे हैं हनी सिंह के कट्टर फैंस है, ये है वो नहीं है। असल वो है जो 2010-11-12 से जो हनी सिंह को सपोर्ट कर रहे, वो है हनी सिंह के कट्टर फैंस। मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा इस सॉन्ग का, क्या ये सॉन्ग वापस सुनना है, लेट्स गो ब्रो वापस सुनते हैं। बेचारा तू बेचारा तुझसे कर टोप नहीं पा रहा, कोई चांस ना सोप न चाह रहा, मुझसे तेरे लिए खत लिखवा रहा। बेचारा तू बेचारा कुछ दिनों से मेरे हाथ नहीं आ रहा, कोई चांस ना सोप न चाह रहा, एवी पर लग मंडी के सवारा। ऐसा भी होता है क्यों खुद भी रोता है, सोचूं तेरे बारे में तो सीने में कुछ होता है, ना कोई समझौता है ना मेरा दिल इकलौता है, उतार कर बात करो पहला तुमने जो मुखौटा है। सुबैदा सुबैदा वो चुनो किया तुमने कैसा, सुबैदा सुबैदा मारे क्यों से लुक तू ऐसा, न शोहरत न पैसा कुछ भी नहीं तेरे हुस्न जैसा, सुबैदा सुबैदा वो चुनो किया तुमने कैसा। कल यो हनी सिंह का न्यू सॉन्ग की अनाउंसमेंट हो गई है जो हनी 3.0 एल्बम में से आने वाली है, और हनी सिंह के एल्बम से वो भी कंप्लीट होने वाली है। और हनी सिंह के एल्बम्स ने जो 3-4 सॉन्ग्स दिए हैं अभी रिसेंटली, वो बहुत ही ज्यादा हिट हुए हैं और उससे बहुत ज्यादा हाइप बन चुका है। यो हनी सिंह को जो एल्बम था वो उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था कब सॉन्ग आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो यो हनी सिंह को हम मिस कर रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि हम अब जो हनी सिंह को वो पुराना वाला चाहिए, हमें पुराना वाला चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना वाला आप लोग को क्या चाहिए ब्रो। मुझे तो ये सॉन्ग सुन के हनी सिंह का एक ओल्ड सॉन्ग याद आ गया ब्रो, ब्रिंग मी बैक, उसमें जो म्यूजिक था ब्रो, वाओ मुझे तो वो सॉन्ग याद आ रहा है। ये हनी सिंह का नाइस सॉन्ग ब्रो, क्या बीट्स दिए। और उसके बाद जब मैंने सॉन्ग सुना, सबसे पहले जो मैंने सॉन्ग सुना था, इससे पहले जो मैंने सॉन्ग सुना था, सबसे पहले मैंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया था म्यूजिक के ऊपर। लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम फिर मैंने सॉन्ग सुना, उसके बाद मैंने लिरिक्स के ऊपर ध्यान दिया,
क्या लिरिक्स लिखे हैं ब्रो, वाओ। ननकू को मैं अभी जाके फॉलो करता हूँ। देखो मैं होमी दिल्ली वाले को तो मैंने फॉलो करा हुआ है, होमी दिल्ली वाले को तो मैंने फॉलो करा हुआ है, लेकिन ननकू और एक और लड़का है इन लोग के टीम के अंदर जो यो हनी सिंह को अभी म्यूजिक भी दे रहा है, नाम उसका जहन से निकल गया आई थिंक, नाम उसके जहन से निकल गया, लेकिन वो लड़का भी उसको भी जाके फॉलो करता हूँ, वो भी क्या म्यूजिक बनाता है ब्रो। तो आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और मैंने बहुत टाइम से सॉन्ग्स नहीं सुने थे, सॉन्ग्स पर रिएक्शन नहीं आ रहे थे, मैं अपना मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, और उसके बाद जो है मैं तकरीबन बॉस हाउस के ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू हो गया था, तो अभी थोड़ी बहुत तबीयत सेट हुई, और क्योंकि हनी सिंह का सॉन्ग आया तो मैंने सोचा रिएक्शन बना दूँ और सॉन्ग भी सुन लूँ यो हनी सिंह का। इसके बाद जो अभी एम ई वे बनता है अभी सॉन्ग बाकी है, एम ई वे बनता है के सॉन्ग्स पे भी मैंने रिएक्शन देना है, और उसके बाद और दो तीन वीडियो मैंने वो भी शूट करनी है, और अब तो डेली वीडियो आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतने में मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को सपोर्ट करें, प्यार दे, प्यार दे। जिससे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा सबसे पहले जाओ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाओ इंस्टा पर फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।